चैनल कैसे दोस्तों, और आज मैं अपने उस पार्ट को कवर करने जा रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था कि वैज्ञानिक कारण मैंने 5 कराए थे और आज उसके आगे बढ़ रहा हूं। तो शायद आपको मेरा बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा और मेरी बातें सामने आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इससे पहले जो 5 क्वेश्चन है उसका लिंक मैं वीडियो में नीचे डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है क्यों, पहले समझिए दोस्तों। कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी यानी जिसका घनत्व कम होगा वो ही तैरेगी, किसमें, जिसका घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि अगर जिसमें वस्तु तैर रही है उसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए और जो वस्तु तैर रही है उसका घनत्व कम होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक काम करिएगा, कभी एक गिलास पानी में 2 चम्मच शहद डाल के देखिएगा, क्या शहद ऊपर रुकता है क्या? नहीं, शहद ऊपर क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हनी की यानी शहद की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो पानी में नीचे जाकर बैठ जाता है। बात समझ आई आपको? ठीक है, इसलिए डेंसिटी अगर कम होगी वो ही वस्तु ऊपर तैरेगी। अगर डेंसिटी उसमें जिसमें आप तैरना चाहते हैं उससे ज्यादा है तो वो वस्तु उसमें जाकर डूब जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है क्यों? उत्तर देखिए क्या है, बर्फ का घनत्व। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बर्फ का घनत्व यानी बर्फ की जो डेंसिटी है वो जल की डेंसिटी से कम होती है। अगर कम नहीं होगी तो वो जाकर डूब जाएगा। आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर देखिए बर्फ बनाई है, यहाँ पर तैर रही है और ये जल बनाया हुआ है, ये बर्फ का टुकड़ा बनाया हुआ, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज्यादा है। ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, वो उसको ऊपर रोक देगा जिसकी डेंसिटी कम है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा पुराना और बड़ा बहुत ज्यादा हम लोग हाई स्कूल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बट आज भी एसएससी इसको पूछ लेता है। ठीक है, ठंडे मौसम में नल के पाइप फट जाते हैं क्यों? समझिएगा, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है तो ऐसे में क्या होता है, जो जल होता है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, आइस में यानी कि बर्फ में। और बर्फ में बदलने पर, जल और बर्फ में अंतर क्या होता है दोस्तों, जब जल बर्फ में बदलता है तो ऐसे में बर्फ का आयतन बढ़ता है, और अगर बर्फ का आयतन बढ़ेगा और उसी नल के पाइप से पहले पानी गुजरता था लेकिन आज पानी ठहर गया है और बर्फ बन गया है, ऐसे में उस जल का आयतन कम था लेकिन आज बर्फ बनी हुई है और बर्फ का आयतन ज्यादा है। बर्फ का आयतन ज्यादा होने की वजह से बर्फ उस पाइप के चारों दीवारों पर प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाने की वजह से ही वो पाइप फट जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें लिखा है, देखिए मैंने लिखा है जल कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में जब हमको तापमान कम मिलता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है, जिससे बर्फ के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे बर्फ अधिक स्थान घेरने का प्रयास करती है और इस प्रयास के दौरान ही नल के पाइप फट जाते हैं। तो आप एक बार साइंस को समझ लेंगे, आप जीवन भर के लिए फ्री रहेंगे। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, इधर इस बीच में लगभग 2011 के बाद से जब भी एसएससी पेपर बना रहा है तो पर्टिकुलर साइंस में 12 से 13 क्वेश्चन तो वो बायोलॉजी के ही रख देता है और 3-4 क्वेश्चन वो जनरल साइंस के रख देता है। यानी कि जनरल साइंस एक बहुत बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन कवर करता था, बट अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, अब 25 क्वेश्चन मांगने लगे। लेकिन फिर भी वो 25 क्वेश्चन में भी 7 से 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के रखते हैं, और दोस्तों सरल क्वेश्चन नहीं रखे जाते। आज के दौरान, आज के कंपटीशन को देखते हुए वो ऐसा पेपर सेट करते हैं कि हर बच्चे को एक ना एक बार सोचना पड़े, और आप पढ़ेंगे समझ के नहीं पढ़ेंगे, आप वहां पर नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए समझते हैं, सारी बातें क्लियर करते हैं। सोखता स्याही को सोखता है कैसे? पहले तो जो नहीं समझ पा रहा मैं बताता हूँ ये क्या है सोखता। दोस्तों आपने देखा जब आप बैंक में जाते हैं तो नोट गिनने के लिए एक पैड रखे होते हैं छोटा सा, उसमें पानी होता है, उसमें हाथ लगा के ही वो हाथ गीला करके फिर नोट काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोखता। स्पंज, आप उसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, स्पंज। तो सोखता स्याही को सोख लेता है कैसे? एक आंसर में अगर देना होगा उत्तर ऑप्शन में एमसीक्यू में तो चुपचाप क्या लगा के चले आएंगे हम लोग, केशिकात्व के कारण। हर आदमी को ये बता दिया जाता है कि आपको इसका उत्तर क्या लगाना है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, हमने लगा दिया। है क्या ये भी तो जानिए, ये है क्या। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा भी आने वाला है आगे। सुनिएगा, ये केशिका त्वकिका, यहाँ पानी भरा हुआ था आप समझिएगा, और ये स्पंज है। हम क्या करते हैं, इस पे प्रेशर लगाते हैं। जब हम इस पे प्रेशर लगाते हैं तो हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। समझिएगा, जब हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और ये वापस स्पंज ऊपर आता है तो हवा तो निकल जाती है लेकिन प्रेशर बना होता है, तो ये नीचे से पानी खींचकर ऊपर ले आता है। चलिए ठीक, हमने नहीं दबाया, हम तो भी इसको रख देंगे। अगर आपको याद हो, विंटर में हम लोगों को एक केशिका दी जाती थी और केशिका का पानी की जस्ट ऊपरी सतह पर, सरफेस पे ही छुआई जाती थी, फिर भी वो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाती थी। यही गुण है उस केशिका का, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन केशिका त्वक। अब आपको एक बहुत अच्छी सी हंसी वाली बात बताता हूं, सुनिएगा दोस्तों। यह है शिवलिंग, ये क्या है, शिवलिंग। ये हमारे शंकर भगवान जी है और शिवरात्रि का समय है, और शंकर भगवान जी चिकने नहीं, थोड़ा सा खुदरे टाइप के, रफ टाइप के हैं। शंकर भगवान जी जो है थोड़े से रफ टाइप के हैं। अब आप गए, आपने एक चम्मच दूध लिया, शंकर भगवान जी के चम्मच से लगाया और धीरे धीरे वो सारा का सारा दूध खत्म हो गया। OMG, व्हाट इज दिस, शंकर भगवान जी ने दूध पी लिया। शंकर भगवान ने दूध पी लिया। आपने पूरे मोहल्ले में गाना गा दिया, वाह मेरे हाथ से दूध पी लिया, दूध पी लिया, दूध पी लिया। सब आ गए, 2 बाल्टी पानी, 3 बाल्टी पानी डाल दिया, सबने पानी डाल दिया। अब चम्मच लगा रहे हैं सब लोग, बट अब शंकर भगवान जी दूध नहीं पी रहे हैं। अब दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, आप समझिएगा बात को। इट्स ऑलवेज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। समझिएगा, ये देखिए जो शिवलिंग होती है, ठीक है, उसमें अंदर छोटे छोटे सरंध्र पाइप्स होते हैं, नलियां होती, केशिका होती। जब हम कोई लिक्विड यहाँ पर लगाएंगे तो वो उसी के माध्यम से नीचे जाता रहता है। समझिएगा बात को, वो सारा का सारा उसी के माध्यम से नीचे जाता है। हम कुछ भी पिलाएंगे भगवान जी को उस समय, दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सब अंदर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 1 बाल्टी पानी ऊपर से डाल दें, सारे पोर, सारे छेद बंद। अब सारे छेद बंद हो गए। अब आप फिर आए दौड़ के मोहल्ले भर को बता के कि शंकर भगवान जी ने मेरे हाथ से, मेरी चम्मच से दूध पिया था। अब आप फिर से चम्मच लेके शंकर भगवान जी के लगे, शंकर जी नाराज हो गए, शंकर जी दूध नहीं पी रहे हैं। क्यों नहीं पी रहे हैं, क्योंकि शंकर जी के ऊपर के सारे छिद्र बंद हो गए। इस दौरान शंकर भगवान जी के केशिकात्व का जो गुण था वो खत्म हो गया। मैं किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं भगवान जी को बहुत मानता हूँ, बट मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि जो शिवलिंग होती है उसमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, छोटे छोटे से पोर होते हैं। तो जब हम उसमें चम्मच से पानी या कुछ पिलाते हैं या लगाते हैं तो ऐसे में वो चीज केशिकात्व के माध्यम से नीचे चली जाती है। लेकिन जब हम 1 बाल्टी पानी डाल देंगे, 1 मग्गा पानी डाल देंगे, लोटा पानी डाल देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, सारे के सारे छिद्र बंद हो जाएंगे। और जब वो छिद्र बंद हो जाएंगे तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, आपको पता है, वो पानी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैंने बनाई सुराही, पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं, भगवान जाने। ये सुराही बनाई, आपने कभी ध्यान दिया सुराही में पानी ठंडा क्यों होता है, आप समझिएगा, क्योंकि सुराही की दीवारों में छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं इसको डबल कोर में बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको डबल ये किया। अब पता है आपको क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये छेद आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, और ये नलियां टाइप की होती है, यही कहलाती है केशिका। अब होता क्या है, जब आप मटकी को पहली बार सीजन में लेके आए होते हैं, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते थे, तो हम लोग एक दूसरे से ये नहीं कहते थे, यार मटका ले आए क्या, मटकी ले आए क्या, गगरी ले आए क्या। हम लोग कहते थे फ्रिज फ्रिज ले आए क्या, ठीक है ना, हम लोग इसको फ्रिज बोलते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो हमारी फ्रिज थी, यानी हमारी मटकी थी, इसमें छोटी छोटी केशिका होती है। जब इसमें पानी भरते हैं तो वो बूंद बूंद करके ऊपर आता है, और जब वो ऊपर आता है तो हवा से वो मॉलिक्यूल उड़ के चला जाता है, अंदर से फिर पानी की एक बूंद आती है, वो हमको दिखती नहीं, बड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ड्रॉप का मतलब बूंद और ड्रॉपलेट का मतलब सबसे छोटी बूंद, ड्रॉपलेट, ठीक है ना। वो हवा से उड़ती है, इसलिए पानी ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही हम उस मटकी को या उस गगरी को एक सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या दूसरी सीजन में वो उसको पानी को ठंडा करती नहीं, क्योंकि हम जो पानी लाते हैं उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू होती है, वो बालू उस मटकी के सारे कैपिलरीज को बंद कर देती है। ऐसे में वो पानी बाहर नहीं आ पाता, हवा से उड़ नहीं पाता, और वो मटकी पानी को ठंडा करना बंद कर देती है। देखा दोस्तों, आपने क्या देखा, एक क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन बना दिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ थॉरोली पढ़िए हर एक चीज को। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आप जरूर लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 3-4 बार पूछा गया है कि जुगनू प्रकाश देता है। ऐसा जुगनू में क्या पाया जाता है दोस्तों जो वो प्रकाश देता है, जो वो चमकता है। समझिएगा बात को, पहले मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने लिखा है। जुगनू के शरीर में ग्रंथि होती है जो फॉस्फोरस सदृश पदार्थ का श्रवण करती है। इस पदार्थ को लूसीफेरिन कहते हैं। बात आपको समझ आ गई होगी। जुगनू के शरीर में ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लैंड होती है, जो फॉस्फोरस लाइक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है। ऐसे में इस पदार्थ को जो वो सीक्रेट करती है दैट इज कॉल्ड लूसीफेरिन। स्पेलिंग देख लीजिए, आपको दिख रही होगी LUCIFERIN, ठीक है। तो लूसीफेरिन का सीक्रेशन करने के कारण हम जुगनू को देख पाते हैं कि वो चमक रहा है। अब एक बहुत अच्छी सी और बहुत हंसी वाली बात आपसे करना चाहूंगा फॉस्फोरस के बारे में। दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया, जब हम लोग छोटे थे तो घड़ियां लेके आया करते थे और वो घड़ियां क्या करते थे, एक दूसरे को दिखाया करते थे और दिखा देखो मेरी रात में घड़ी चमकती है, मेरी घड़ी में रेडियम है। एक दूसरे को दिखाया करते थे कि देखिए मेरी घड़ी में रेडियम है। दोस्तों वो रेडियम नहीं होता था, रेडियम बहुत कॉस्टली आता है, वो फॉस्फोरस ही होता है। क्योंकि फॉस्फोरस की आदत होती है प्रतिदीप्ति, अगर प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश को परावर्तित करेगा या अंदर से प्रकाश को निकालेगा। जो टैटूज आते थे, च्युइंगम्स के साथ हम लोग टैटूज लेते थे और हाथ मुंह पे गाल पे चिपका के घूमते थे और उस पर टॉर्च जलाते थे। पहले टॉर्च जला के जब बंद करते थे तो अंधेरे में वो टैटू चमकता था, अगर आपको याद हो तो। इट्स ड्यू टू बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्फुर दीप्ति या प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति के कारण ही वो चमकते थे। तो वो रेडियम रेडियम नहीं होता था, रेडियम बहुत कॉस्टली आता है दोस्तों, और दूसरी चीज रेडियम हाथ में लगाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो क्या होता था, फॉस्फोरस। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि थोड़ा सा एक तो कॉमेडी भी थी, प्लस आपको ये बताना चाहता था कि फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, यानी कि जब आप उस पर फोटो डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, फोटो मीन्स प्रकाश डालते हैं तो वो उसकी प्रतिदीप्ति क्रिएट करता है, रिएक्शन में भी लाइट शो करता है। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा, मैं एक एक करके सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, भरोसा रखिए और समझ के पढ़िए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई मैं लगातार देख रहा हूँ, हर कोई ये चाहता है कि मैं बना बनाया उसको दे दूं, कोई भी हो वो चाहता है कि बस क्वेश्चन हो जाए, बस क्वेश्चन हो जाए, जल्दी जल्दी याद कर लूं, जल्दी जल्दी समझ लूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम अपना स्टैंडर्ड काफी ऊंचा कर चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोज अगर पसंद आए तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और सबको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि मेरे 2 दिन पहले सब्सक्राइबर 100 के पार पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।